बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमें दो नौजवानों की कॉल रिसीव हुई कि उन दोनों भाइयों ने मिलकर कोई काम शुरू किया और वो अपने काम का रिश्ता कराना चाह रहे हैं हमसे और हर महीने गरीब बच्ची की शादी के लिए बोझ दिया करेंगे हमारे सारे को। चले यहाँ चलते दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हैं इस वक्त सगीर सेंटर फेडरल बिलिया ब्लॉक 16 में और यहाँ पर ये दो भाई हैं। ये क्लियरिंग फॉरवर्डिंग का काम करते हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, दूसरे जद्दा से अपना कारोबार छोड़ के यहाँ आए थे कि नौकरी करेंगे। दोनों को नौकरी नहीं मिली, ये क्या करने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो देख लें भुगतान हम क्या करने जा रहे हैं। आए हाथ लगाएं भाई, बिस्मिल्लाह। चलें भाई, ये भाई मैं आपका मुंह बैठा करा दूं यार, आप लोग मालिक हैं। आ जाएं अंदर आ जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ सीन क्या। आइए कैंसिल आए भाई, दानियल तुम अंदर आ जाओ। आइए भाई, आए आए आप लोग हाथ लगाएंगे, कोई आप लोग बड़ा बुजुर्ग नहीं। आए भाई, आ जाए मालिक साहब। जी, हम सब मौजूद हैं मीट लो के नाम से इन दोनों नौजवानों ने, जो कि पढ़े लिखे काबिल कराची के लड़के हैं। नौकरी नहीं मिली, इन्होंने अभी काम शुरू किया गोश्त का। क्या सिलसिला है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या नाम है आपका भाई? तो मेरा नाम अहमद अल्ताफ है। अहमद अल्ताफ साहब, कोई मसले वाली बात है, नौकरी ढूंढी? सर बिल्कुल ढूंढी। इससे पहले क्लियरिंग फॉरवर्ड ने जॉब करते थे, हालात इतने खराब हो गए कि इम्पोर्ट बंद हो गई थी। जब एक सीढ़ी ऊपर बढ़ने का टाइम आया, एक टाइम निकाला, तो उसके बाद कहने लगे कि जगह नहीं है, आपको फायर कर देंगे। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। कितने अर्से जॉब की बात? मैंने 9 साल काम किया। कौन सी करेंसी में नोट कमाया? रियाल में। अच्छा कमाया? अच्छा कमाया, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली हालात बिल्कुल वाइंड अप हो गया, जॉब खत्म हो गई। लोगों को बताने क्या सिलसिला है, यहाँ पर क्या सिलसिला खोला आपने भाई? सर मैंने बिल्कुल एक मीट लो के नाम से अपनी आउटलेट बनाई है यहाँ पे, और हम लोगों ने यही प्लान किया था हम दोनों भाइयों ने कि हम लोग अच्छे मतलब जो रियल जो मीट है हम वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को। रियल मीट से ये मुराद है क्योंकि आजकल इतना दो नंबरी हो रही है, आप स्लॉटर हाउस में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी दुकान में चले जाएं, प्रेशर वाला गोश्त आपको मिलेगा। पानी प्रेशर से मुराद जिसके अंदर फेफड़े लगे हुए तो उसमें पाइप डाल के मेरे सामने पानी डाल देते हैं, हड्डियां पानी से भरी हुई होती हैं। अच्छा, वजन बढ़ाने के लिए? बिल्कुल वजन बढ़ाने के लिए, एग्जैक्टली वजन बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये क्या चक्कर होता है कि भैंस का बच्चा काट रहे हैं, भैंस का बच्चा या? बिल्कुल ज्यादती करते हैं, भैंस का बच्चा काट के मटन बना के बेचते हैं वो लोग। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। अच्छा, आपके गोश्त का और जो खुला हुआ गोश्त बिक रहा होता है गंदी सी जगह, उसका रेट सेम होगा? बिल्कुल सर, 19-20 का फर्क होता है हमारे रेट में। बिल्कुल थोड़ा सा रेटों में हमारा थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन चीज एक नंबर होती है। उसकी वजह यही है कि अगर हम लोग उस रेट में देंगे तो हम लोग की कॉस्ट ही नहीं आप किस तरह की कॉस्ट बना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है सर। नदीम भाई, यहाँ पर आप क्या काम करेंगे? गोश्त का काम। गोश्त का, यानी कि आप पसाई हैं? जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं नदीम भाई? इसको मुट्ठी कहते हैं। मुट्ठी कहते हैं। किस लकड़ी की होती है भाई? कीकर की होती है। कीकर टूटे की तो नहीं है? नहीं टूटी। अच्छा, ये क्या आइटम सजा के रखे हैं आपने? ये छोला होता है सर। अच्छा, से कीमा बनता। अच्छा, उसके बराबर में क्या रखा हुआ है? उसका भाई है ये कील है। अच्छा, इससे धान रखी है। अच्छा, क्या सीन होता है कि बाकी क्या गोश्त चोरी होता है? जी होता। कैसे करते हो? जी, 1 किलो तोलते हैं तो फिर वो मुट्ठी गिरा देते हैं नीचे, मुट्ठी के नीचे बनाते हैं। क्या हरकतें कर रहे हो? नहीं तुम नहीं कर रहे, मजाक कर रहा हूँ। चले अच्छा है, और दिखाए अंदर क्या क्या। एसी लगा हुआ है, गोश्त एसी में बिकेगा। भाई ये कमरा क्या है भाई? ये हमारा वॉशिंग एरिया है। मतलब हर कोई नहीं करता, ये बच्चा बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे करप्शन करते हैं कि बूटी वोटी कर ले। अच्छा, ये कौन सा एरिया भाई? ये हमारा वॉशिंग एरिया है। अच्छा, ये वॉशिंग। बिल्कुल। और जफर भाई, सबसे अच्छी चीज यहाँ की ये चीज है कि हमारी चिकन रेडी टू कुक होती है। अच्छा, पूरे कराची में सारा कोई काम नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर पहले वॉश, पहले हमारे पीस बनते हैं फ्रेश चिकन के, उसके बाद वॉश पे आती है। वॉश के बाद हमारे पीस बनते हैं, मटर के। बिल्कुल, चिकन के पीस बनते हैं, चिकन पीस बनने के बाद वॉश होती है, वॉश के बाद ड्राई पे जाती है, ड्राई के बाद पैक होकर राइडर लेके निकलता है। कितने रुपए किलो देंगे मार्केट से? 10-20 रुपए का फर्क होगा। बिल्कुल 30 रुपीज का फर्क है, 30 रुपीज का फर्क, लेकिन उसमें रेडी टू कुक है ना। मंडे वाली मुर्गी दे रहे हैं सर। बिल्कुल पक्की। ठीक है, लोगों जिनको रब्ता करना है वो सर्विस सेंटर में, आज से क्या सर्विस सेंटर के पीछे क्या लगेगी ना, जाहिद स्क्वायर में आ सकते। कीवे वाली मशीन भी शीशे में रखी हुई है हमारे भाई, कराची दिखा रहे हैं आपको। पंखा सेंटर भी लगा हुआ, बड़ी वीडियो लाभ शेयर करें। और जो लोग इनसे गोश्त लेना चाहते हैं इनसे रब्ता कर सकते हैं। मक्खी का गुजर नहीं है यहाँ पर, मक्खी का गुजर नहीं है। अंकल ने कह दिया है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंतजाम किया इन्होंने, और उम्मीद है ये सर्विस जो है ना काफी। आप अहले मोहल्ला हैं अंकल? अहले मोहल्ला हैं। अहले मोहल्ला से हूँ। किस अच्छा वजह नहीं है? नहीं नहीं नहीं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो जब बना रहे थे उस वक्त अंदाजा हो गया था कि दे गोइंग टू हमारी तो ख्वाहिश थी कराची का लड़का भी कस्टम में होता। बिल्कुल। और सिविल एविएशन होता, लेकिन हमें मालूम है कराची के नौजवान का नसीब क्या है।